नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चंगेज का आज कल नहीं होता है, चंगेज का युग होता है, युग इरा। अब यहाँ पे साथ में रिलीज हो रही है किसी का भाई किसी की जान, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं, जो यहाँ पे क्रिटिक्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि चंगेज के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, देखो अगर आपके पास कॉन्टेंट है ना, अगर आपके पास एक अच्छा कॉन्टेंट है और मूवी फर्स्ट डे के अंदर लोगों को कनेक्ट करती है, तो भाई साहब लिटरली मैं आपको बता दूं कि ये मूवी भी आपको भी कनेक्ट करने में कामयाब होगी, मुझको भी कनेक्ट करने में कामयाब होगी। और ये कनेक्शन ही हमें यहाँ पे भाई साहब बार बार मूवी देखने के लिए एग्रेसिव करता है। अब ऐसे में देखो, किसी का भाई किसी की जान के बारे में बताया जा रहा है कि ये मूवी भी किसी की रीमेक उठाई गई है। तो देखो, रीमेक मूवीज चलती है, सलमान खान एक अलग लेवल का बंदा है, उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे सलमान खान को अच्छी खासी ओपनिंग मिलेगी और यहाँ पे नो डाउट चंगेज से ज्यादा पैसा कमाएगी। हाँ, मैं आपको लिख के बता दूं कि भाई साहब ये जो मूवी है किसी का भाई किसी की जान, वो चंगेज से ज्यादा पैसा कमाएगी। लेकिन चंगेज क्यों चलेगी उसके ऊपर डिटेल के अंदर बात करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, भाई को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से चंगेज को कवर करते रहे। तो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है ना, चंगेज का जिस तरीके से कंटेंट है, अरिजीत सिंह के सॉन्ग है उसमें, उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है, वैसे श्रेया घोषाल की आवाज़ भी है, और भी एक सॉन्ग आने वाला है, और यहाँ पे जो है वो पॉप सॉन्ग आने वाला है, मिक्का सिंह के बारे में सुनने को मिला है। यानी कि देखो, चंगेज की जो प्री प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रोड लेवल की प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से हो रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे जो अरिजीत सिंह की आवाज़ है, उसके साथ यहाँ पे जो है वो कीर्तिक हेगड़े की आवाज़ है, यानी कि कहीं ज़्यादा जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनको यहाँ पे लिया गया है। बाकी क्या चाहिए आपको यार, प्रमोशन हो रही है, यूट्यूबर्स आपको कवरेज दे रही है, और पूरी जो नॉर्थ की ऑडियंस है, जो यहाँ पे बंगाल की ऑडियंस है, वो पॉजिटिव है मूवी को लेके। नो डाउट सलमान खान एक बहुत अच्छा और सुपरस्टार है, लेकिन आपका कंटेंट अगर अच्छा हुआ तो वो मूवी भी देखेंगे, साथ में ये मूवी भी देखेंगे, यानी कि दोनों ही मूवीज यहाँ पे चल सकती है। हाँ, ये बात है कि भाई साहब चंगेज को थोड़े से स्क्रीन्स कम मिल सकते हैं, लेकिन मूवी ने लोगों को कनेक्ट किया, ऑडियंस को कनेक्ट किया, तो भाई साहब ये जो स्क्रीन्स के नंबर है वो भी राइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो यार, पैनिक होने वाली कोई जरूरत नहीं है, चंगेज अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, किसी का भाई किसी की जान अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर सलमान खान है, लेकिन यहाँ पर है बंगाली किंग जीत दा। तो भाई साहब इस बंदे का भी स्वैग है, इस बंदे का भी एक नेक्स्ट लेवल है, इस बंदे की भी फ्रेंड फॉलोइंग है, तो ये अपने हिसाब से आंकड़े जो है वो कमाएगी। और 5 करोड़ रुपए की मूवी है ये जो है वो फर्स्ट डे ही, मैं आपको लिख के बता दूं, ये फर्स्ट डे ही अपनी जो है वो सारी यहाँ पे जो है वो बजट को रिकवर करने में कामयाब होने वाली है। बाकी यहाँ पे देखो यार, पैनिक होने वाली कोई जरूरत नहीं है, चंगेज का बहुत अच्छा मुझे कंटेंट लग रहा है, और ये कंटेंट जो है वो लोगों को डेफिनेटली यार कनेक्ट करेगा, और जीत दा को पैनल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा हाईलाइट करने में, और बंगाली इंडस्ट्री का नाम रोशन करने में चंगेज जो है वो काफी ज्यादा आगे जाने वाली है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखेगा। अगर आपने राहुल भाई के चैनल को सपोर्ट नहीं किया, एक बार फिर से बोलता हूँ भाई साहब, थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप और हम हमेशा कनेक्ट रहे और आने वाली छोटी से लेकर बड़ी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें हरे कृष्णा।